नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर शहर में अव्यवस्थित हो रहे विकास कार्यों को लेकर पर्यावरण संरक्षण संगठन के द्वारा आज गांधी प्रतिमा से लेकर कमिश्नर कार्यालय तक रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। संगठन के कार्यकर्ता ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि इंदौर शहर में विकास के नाम पर जबरदस्त हरे पेड़ों का विनाश किया जा रहा है। जो पेड़ पौधों से बने पेड़ बनने से 25 से 30 साल लग जाते हैं, पुनः विकास के नाम पर नगर निगम के द्वारा काटा जा रहा है। हम इसका विरोध करते हैं क्योंकि अभी जो पेड़ लगे हैं उन्हें पेड़ बनने में कम से कम 25 30 40 साल लगेंगे, किंतु जो पेड़ बन चुके हैं उन्हें विकास के नाम पर काटा जा रहा है। विकास के नाम पर इस विनाश का हम विरोध करते हैं। हरे भरे पेड़ ये हमारे फेफड़े हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमें ऊर्जा देते हैं, किंतु विकास के नाम पर इनका विनाश नहीं होने देंगे। विकास का विरोधी नहीं है, किंतु विकास के नाम पर हरियाली नष्ट नहीं होने देंगे। देखिए, ये आज का ज्ञापन जो दिया गया है ये इंदौर शहर के जितने पर्यावरण प्रेमी नागरिक हैं उन सभी का प्रतिनिधित्व करने वालों ने दिया है। हमारे साथ डॉक्टर एस एल गर्ग हैं जो होलकर कॉलेज के पूर्व प्राचार्य हैं, ओ पी जोशी हैं जो होलकर कॉलेज के पूर्व प्राचार्य हैं और तमाम विभिन्न जन संगठनों के लोग हैं, मगर हम बगैर किसी बैनर के इंदौर के पर्यावरण प्रेमी नागरिक के रूप में सब यहाँ अलग अलग लोग इकट्ठे हुए हैं। ज्ञापन में क्या मांग करी है? ज्ञापन में हमने मांग ये की है कि इंदौर शहर का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और इसके मद्देनज़र जो लगातार शहर में विकास के नाम पर पेड़ों की कटाई हो रही है, पिछले दिनों में 1.5 लाख पेड़ केवल विकास के नाम पर काट दिए गए, जबकि हमने देखा कि पिछली गर्मी के अंदर इंदौर शहर ने अपने इतिहास की सबसे विकट गर्मी झेली है। हमारे यहाँ 40 डिग्री से ऊपर तापमान के नंबर दिनों की संख्या जो है 10 से बढ़कर 15 तक पहुँच रही है। कुछ दिन ऐसे थे जहाँ जयपुर और चूरू जैसे रेगिस्तानी इलाकों से भी ज़्यादा तापमान कुछ रातों में हमारे यहाँ था। इस सब का कारण ये है कि जो हमारी हरियाली है उसको हम नष्ट करते जा रहे हैं विकास के नाम पर। आज के विशेष संदर्भ में हमारा ये था कि हुकमचंद मिल और तमाम जो कपड़ा मिलें इंदौर की वो सालों से बंद पड़ी है, वहाँ पर उनकी ज़मीनों पर अब एक तरह से घने जंगल सिटी फॉरेस्ट उगाए हैं और 25-25 30-30 साल पुराने सघन पेड़ वहाँ पर हैं, मगर विकास के नाम पर आपको ध्यान होगा कि हुकमचंद मिल की ज़मीन हाउसिंग बोर्ड को दे दी गई है जो वहाँ पर रहायशी और व्यावसायिक परियोजना लाने की कोशिश में है, जबकि वहाँ पर लगभग 2000 से ज़्यादा घने पेड़ हैं जो एक सिटी फॉरेस्ट के रूप में खड़े हैं। हमारा निवेदन ये है कि हम भले ही 50 लाख पेड़ लगाएं, 60 लाख पेड़ लगाएं, मगर आज जो हम पेड़ नहीं लगा रहे हैं, हम पौधे लगा रहे हैं, उन पौधों को पेड़ बनने में 30 40 50 साल लगेंगे, मगर इस बीच शहर की आबोहवा का क्या होगा, शहर की सांसों का क्या होगा। तो हमारे जो हरे भरे जंगल शहर के बीचों बीच हमारे फेफड़ों की तरह इंदौर शहर के, देखिए ये जंगल हैं तो ही इंदौर शहर में सांस लेने लायक हवा हमें उपलब्ध हो रही है। जिस दिन ये कट गए हम भी जो है दिल्ली की तरह भुगतेंगे जहां चलने को जगह नहीं मिलती और इतना धुंधलका रहता है। किसके नाम दिया आपने? ज्ञापन हमने आज कमिश्नर के नाम दिया है। इससे पहले हम शहर के सांसद को, मंत्रियों को, कलेक्टर को, हम तमाम उन लोगों को और मुख्यमंत्री को भी हम देंगे, तमाम उन लोगों को जो इस पर प्रभाव डाल सकते हैं उनको ज्ञापन देकर उनसे निवेदन कर रहे हैं कि भाई ये जो सिटी फॉरेस्ट है, शहर की जो वर्तमान हरियाली है 10 लाख के करीब पेड़ है, अब इनमें कोई कमी ना हो, आप नए पेड़ पौधे जितने लगवाएं उनकी रक्षा करवाएं वो पनपेंगे, मगर वर्तमान में जो हरियाली है और वर्तमान में जो पेड़ हैं उनमें अब कोई कटाई नहीं हो। और विकास से हमारा विरोध नहीं है, विकास की योजनाएं बनाई हैं, पर क्या हम इनको संरक्षित करते हुए नहीं बना सकते? पेड़ों को काटना क्यों जरूरी है?
मैं अरविंद पोरवाल, इस पर्यावरण प्रेमी इंदौरी नागरिकों के समूह का एक सदस्य। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।